भोजपुरी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए किसी को भी मैनेज करना कितना पॉसिबल है आप ये देख सकते हैं उनकी बर्थडे पार्टी में। भाई उनकी एक्स और उनकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड कितने प्यार से एक दूसरे के साथ थी उस पूरी पार्टी में। लेकिन क्या आपने एक चीज गौर की? गौर अगर नहीं की है तो हम किस लिए हैं? हम आपको गौर करवाएंगे। गौर आपको ये कर रहा है, निरहुआ का बर्थडे केक कटा और आम्रपाली ने निरहुआ को बड़े प्यार से केक खिलाया। फिर भाई सभी ने एक दूसरे को केक खिलाया। अब बारी आई पाखी हेगड़े की। जब पाखी हेगड़े का नंबर आया तो निरहुआ ने बड़े प्यार से पाखी हेगड़े के हाथों केक खाया। बट जब वही केक पाखी हेगड़े ने आम्रपाली के पास बढ़ाया तो आम्रपाली ने झिड़क कर ना कह दी। अब भाई आम्रपाली, ये तो बड़ी बुरी बात है कि अपने सीनियर के हाथों खिलाए गए केक को आपने ना कह दिया हो। हाँ हम जानते हैं इस वक्त आप जिम कर रही हैं, अपने आप को फिट रख रही हैं, आप कोई भी ऐसी चीज नहीं खाना चाहती जिससे आपका वजन बढ़े और फिर से आप मोटी हो जाए। लेकिन ये बात बताइए आम्रपाली जी, एक टुकड़ा केक खा लेने से आप फिट से फैट तो नहीं हो जाती? हाँ हम जानते हैं कि आपने ये स्लिम बॉडी पाने के लिए काफी कड़ी मेहनत की है, लेकिन एक टुकड़े केक से आपका कुछ नहीं हो जाता। खैर आपको यहाँ ये बता देना जरूरी है आम्रपाली जी कि कितना भी हो पाखी हेगड़े आपकी सीनियर है और ये जो आज भोजपुरी में जितने भी स्टाइल आइकॉन चल रहे हैं ना, उन सब की बाप है वो। पाखी हेगड़े के चलाए हुए रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं तो खैर इतनी तो इज्जत अपने सीनियर की बनती ही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।